आप लोगों के लिए वेदर अपडेट लेकर मैं हाजिर हूं। और काफी ज्यादा क्वेरीज जो हैं वेदर को लेकर आ रही हैं कि जम्मू कश्मीर में अगले कुछ दिन जो है मौसम किस तरीके से रहने वाला है। तो चलिए आप लोगों को हम ये बता देते हैं कि 27 से 29 तक मौसम फिर करवट लेने जा रहा है। और पहले हम आपको नेशनल हाईवे की अपडेट देते हैं कि इस समय नेशनल हाईवे बंद है क्योंकि रिपेयरिंग का काम चल रहा है रोड के ऊपर, जिसकी वजह से दोनों तरफ से ट्रैफिक फिलहाल रोक दी गई है और गाड़ियां जो है काफी ज्यादा तादाद के अंदर इस समय नेशनल हाईवे पर रुकी हुई है। तो चलिए आप लोगों के साथ जो है हम मौसम डेट जो है वो साझा करते हैं। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स जो है उन्होंने फरवरी 28-29 को ये कहा है कि जनरली क्लाउडी वेदर जो है वो रहने वाला है और लाइट रेन और स्नो जो है आइसोलेटेड प्लेसेस पे जो है वो होने वाली है। ये भी कहा गया है कि पहली तारीख से लेकर 3 मार्च तक जो है इसमें पॉसिबिलिटी है कि लाइट टू मॉडरेट रेन जो है उसके साथ साथ स्नो जो है यानी कि बर्फ जो है वो मोस्ट प्लेसेस पर होगी और हैवी रेन और स्नो जो है फ्यू मिडल और हायर रीचेस पर जो है वो देखने को मिलेगी 2 से 3 मार्च को। यानी कि 27 से 29 तक जो है यानी कि कल परसों और चौथ जो है 3 दिन का जो वेदर अपडेट है उसमें बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की बारिश और स्नो जो है वो पड़ेगी आइसोलेटेड प्लेसेस के ऊपर। लेकिन 1 मार्च से लेके 3 मार्च के बीच में और 2 मार्च से लेके 3 मार्च के बीच में ये बताया गया है कि लाइट टू मॉडरेट रेन जो है जम्मू के प्लेन इलाकों में वही जो हिली एरियाज है वहां पे बर्फबारी होगी। वही 2 से 3 मार्च की अगर बात करें तो फ्यू मिडल और हायर रीचेस के अंदर जो है हैवी रेन के साथ साथ हैवी स्नो जो है ये प्रेडिक्ट कर रहा है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि कुछ ऐसे जगहें रहेंगी यहां पर थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग हेलस्टॉर्म जो है उन्हें फील किया जाएगा और गस्टी विंड्स जो है इस पीरियड के दौरान जो है वो रहने वाली है। 27 से 3 मार्च तक का ड्यूरेशन ऐसी रहेगी, बादल छाए रहेंगे, कभी धूप होगी, कभी बारिश होगी, कभी बर्फबारी होगी, कभी कम होगी, कभी ज्यादा होगी, लेकिन 2 से 3 के बीच में हैवी रेनफॉल और हैवी स्नोफॉल को प्रेडिक्ट किया गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो नाइट का टेम्परेचर था कुछ जगहों की बात करें अगर जैसे कि श्रीनगर है तो वो बहुत ज्यादा ठंडा हो गया और मिनिमम 2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। प्रीवियस नाइट की अगर बात करें तो प्रीवियस नाइट जो था 2 डिग्री सेल्सियस से दूर जाकर 0.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वही यहां पर नॉर्मल टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस रहता है और समर कैपिटल है जेएंडके की अगर बात करें तो इस समय, और वही काजीकुंड की अगर बात करें तो काजीकुंड के अंदर मिनिमम -2.2 डिग्री सेल्सियस है और रह रहा था, लेकिन अब कल रात की अगर बात करें तो 1.6 डिग्री सेल्सियस जो है रिकॉर्ड किया गया है माइनस में। वही प्रीवियस नाइट की अगर बात करें तो ये वो टेम्परेचर बता रहा हूं, वही 2.6 डिग्री सेल्सियस से नीचे जो है ये गेटवे टाउन ऑफ कश्मीर जो है वहां पर रिकॉर्ड किया गया। पहलगाम की बात करें तो -7 डिग्री सेल्सियस से हटकर 6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वही प्रीवियस नाइट की बात कर रहे हैं और 3.5 डिग्री सेल्सियस जो था वो नॉर्मल टेम्परेचर जो है साउथ कश्मीर का रहता है। कुकरना की बात करें तो 2.8 डिग्री सेल्सियस से हटकर 3.8 डिग्री सेल्सियस माइनस की अगर बात करें, प्रीवियस नाइट की बात करें वही नॉर्मल टेम्परेचर जो है इस जगह का 2.9 डिग्री सेल्सियस रहता है। ऐसे ही तमाम जगहों की अगर बात करें तो बनिहाल की बात करें तो 1.8 डिग्री सेल्सियस, बटोत की बात करें तो 2.1 डिग्री सेल्सियस, भद्रवाह की बात करें तो -0.44 डिग्री सेल्सियस ये रिकॉर्ड किया गया है। वही चिलाई कलान की बात करें तो 40 डे का हार्श पीरियड जो था विंटर का वो खत्म हुआ था जनवरी 29 को और 20 दिन का लंबा विंटर पीरियड को कॉल किया गया था चिलाई खुर्द और ये एंड होना था 19 फरवरी को। कश्मीर की अगर बात करें तो मिडल में 10 दिनों का यह लंबा पीरियड रहता है, इसे चिलाई बच्चा कहते हैं जिसे बेबी कोल्ड कहा जाता है, विच कुमलेट्स ऑन मार्च 1 को खत्म होगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि कल परसों और चौथ जो है मौसम करबट लेगा, कई जगहों पर बारिश भी होगी, कई जगहों पर बर्फबारी भी होगी, ये पूरे जम्मू कश्मीर की मैं बात कर रहा हूं। वही एक से लेके तीन मार्च की अगर बात करें तो मौसम जो है वो ज्यादा करवट लेगा और लाइट से मॉडरेट रेन, हैवी से हैवी स्नोफॉल जो है वो दर्ज की जाएगी जम्मू कश्मीर के कई रीजन्स के अंदर। तो आप अपनी यात्रा को इसी अनुसार जो है वो प्लान करें। मौसम अपडेट मैंने आपको दे दिया है और वही बात नेशनल हाईवे जम्मू कश्मीर की, तो इस समय बंद है क्योंकि रिपेयरिंग का काम चल रहा है तो वहां पर यात्रा रोक दी गई है। टूरिज्म जितना भी लोग जा रहे हैं या फिर आम शहरी जा रहे हैं तो उन्हें दोनों तरफ से जो है फिलहाल रोका गया है क्योंकि इस समय कंस्ट्रक्शन कार्य चल रहा है हाईवे के ऊपर, जिसकी वजह से इसको रोक लगाई गई है। तो वीडियो को ज्यादा शेयर करें। मौसम विभाग की माने तो 27 फरवरी से लेके 3 मार्च तक मौसम कभी करवट लेगा, कभी बारिश होगी, कभी बादल छाएंगे, कभी बर्फबारी होगी, कभी कम होगी, कभी ज्यादा होगी, यही कह रहा है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और श्रीनगर का भी मौसम विभाग, जम्मू का मौसम विभाग। वीडियो को शेयर करें, रखें अपनी राय अपने
हाल जरूर बताइएगा अपने एरिया का, क्या है वहां पर, क्या वहां पर भी समय ठंड है, क्या शीतलहर वहां पर भी जो है रात के समय ज्यादा होती है, अगर होती है तो जरूर लिखिएगा, कहाँ से है वो भी लिखिएगा। फिलोरा के साथ शुभ लगे न्यूज 19 के लिए, जय हिंद।